नमस्कार। योग में एक नियम है कि सांसों के माध्यम से मन को काबू में किया जा सकता है या मन के माध्यम से सांसें काबू में रहती है। मन के माध्यम से कैसे रहती है? जब हम कोई व्याकुल होते हैं, कोई स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती और हमारा मन व्यथित होने लगता है, उदास होने लगता है, डिप्रेस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, तो हमारी सांसें उथल पुथल होने लगती है ना। तो अगर आप इसको इस तरह देखेंगे, अगर आप शांत होते हैं, आराम में होते हैं, तो आपकी सांसें बड़ी लयबद्ध होती है, तरीके चल रही है और डीप होती है, आप खुद को नहीं मालूम होता इस चीज़ का, है ना। लेकिन अब आप उसको थोड़ा उल्टा कीजिए। जब आपको लगे कि आप एंजाइटी के अंदर है, डिप्रेशन में है या तनाव में है या गुस्से में है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपने सांसों को गहरा कीजिए। जब आप सांसों को गहरा करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका स्वतः ही आपका मन है ना, वो शांत होने लगा है। तो ये चीज़ लागू होती है हर एक परिस्थिति पे, हर एक वक्त पर। अगर इसको इस तरह कहें कि पानी के उड़ने से भाप बनता है, तो भाप के बैठने से वापस पानी भी बन जाता है। तो जब आपके पास पैसा नहीं हो, आप तकलीफ में हो, तो आपको लगता है कि भाव गंदे आते हैं आपको मालूम, लेकिन इस भाव को चेंज करना है। पैसा तो है नहीं, वैसे भी नहीं, तकलीफ तो वैसे भी है, तो आप भाव को चेंज कर लीजिए। आपको फील कीजिए कि आपके पास खूब पैसे हैं और आप खुश होना शुरू कीजिए, आपके हार्मोन्स क्रिएट कीजिए इस तरह के, और आप पाएंगे कि पैसे जो नहीं थे, प्रकृति को ये नहीं मालूम है कि थे या नहीं थे, वह तो आपके भाव पर जाती है। तो जैसे ही आपने भाव क्रिएट करना शुरू किया, अपोजिट भाव क्रिएट करना शुरू किया, तो यकीन मानिए आप जो चीज़ नहीं है वो आपके पास होना शुरू हो जाएगी। चाहे वो पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुख हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा हो, जो भी है, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको इतना करना है, अपने मन को धोखा देना है, अपने हार्मोन्स को धोखा देना है, और इस प्रकृति को आप इस तरह कह सकते हैं कि धोखा देना है, कॉन्शियसली धोखा देना है। प्रकृति बहुत मासूम है, वो आपकी बात मान लेगी। इसलिए दुआएं और प्रयत्न इसलिए सफल हो जाते हैं। ठीक है, कोशिश करते रहिए।